नमस्कार, यूट्यूब चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियो की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ड्राई बैक और वेट बैक फायर ट्यूब बॉयलर के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। कि एक रिवर्सिबल चैम्बर होता है, जो पोस्टीरियर पोर्शन भी कहते हैं बॉयलर कंस्ट्रक्शन के अंदर, उस चैम्बर में क्या होता है कि जो फ्लू गैसेज हैं वो ट्रैवल करती हैं, वो फर्नेस से आती हैं फर्स्ट पास में और फिर वो रिवर्सिबल चैम्बर में कलेक्ट हो जाती हैं और सेकंड पास के लिए वो ट्यूब में चली जाती हैं। और हम कह सकते हैं कि जो रिवर्सिबल चैम्बर होता है बॉयलर के अंदर, उसकी कंस्ट्रक्शन के बेस पे ही ड्राई बैक और वेट बैक कैटेगरी होती हैं फायर ट्यूब बॉयलर की। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ड्राई बैक फायर ट्यूब बॉयलर। इस बॉयलर को अगर हम देखें यहाँ पे, यहाँ फर्नेस लगी हुई है। फर्नेस से जब कोयल बर्न होगा वहाँ से फ्ल्यू गैसेज जाएंगी और ये जो पोर्शन हमें नज़र आ रहा है ये इसका रिवर्सिबल चैम्बर है। यहाँ से फर्स्ट पास हुआ, सेकंड पास के लिए वो जाएंगी ट्यूब्स के अंदर। ये लाल कलर जो हमें नज़र आ रहा है ये फ्ल्यू गैसेस को इंडिकेट कर रहा है और जो ब्लू कलर है, नीला रंग है, ये वाटर को दिखा रहा है। और हम यहाँ देख सकते हैं कि जो फर्नेस है, फ्ल्यू ट्यूब्स हैं, इनके चारों तरफ वाटर है लेकिन रिवर्सिबल चैम्बर के आसपास कोई वाटर नहीं है। यहाँ तो सिर्फ रिफ्रैक्टरी की लाइनिंग लगी होती है। दूसरी बात, इसमें कॉमनली जो रियर ट्यूब सीट्स हैं जिसकी उसको फायर साइड और वाटर साइड एसेस पे उसको यूज़ करते हैं, और इसका बहुत ज़्यादा जो फंक्शनल फुटप्रिंट होता है वो होता है इसकी हैवी होने के कारण, भारी होने के कारण। इसका जो वेसल साइज़ है, जो रियर डूर है इसका, उसका जो साइज़ है उसकी वजह से, और ये जो चीज़ें हैं इसके हैवीपन और इसका जो रियर डूर का बड़ा होना, वो ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट करते हैं और इसके लिए इनको कूल डाउन पीरियड भी चाहिए इसको ओपन करने के लिए। दूसरी बात कि जो ड्राई बैक बॉयलर है उसको रेगुलर अंतराल के बाद उसको रिफ्रैक्टरी की ज़रूरत पड़ती है, और इसकी जो ट्यूब सीट की जो इंस्पेक्शन है उसकी जो मेंटेनेंस आइटम है वो भी काफ़ी कॉस्टली हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ड्राई बैक फायर ट्यूब बॉयलर है इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम थी और उन प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए एक नए बॉयलर का डिज़ाइन किया गया, और फिर नए बॉयलर की जो खोज हुई वह हुई वेट बैक फायर ट्यूब बॉयलर। जो प्रॉब्लम ड्राई बैक फायर ट्यूब बॉयलर के अंदर थी उन प्रॉब्लम्स को इस बॉयलर के अंदर दुरुस्त किया गया है। अगर जैसे हम दोनों के डायग्राम को देखते हैं, इसके अंदर जो रिवर्सिबल चैम्बर है वो भी सारा पानी से घिरा हुआ है कि सराउंडेड बाई वाटर। तो अब यहाँ क्या हो सकता है कि जो वेट बैक बॉयलर है इसमें जो रिवर्सिबल चैम्बर है वह पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो डायरेक्ट फ्ल्यू गैसेज हैं फर्नेस से वो ट्यूब बैंक्स में जाएंगी, और पानी के चारों तरफ होने की वजह से जो बर्नर हीट है उसको वाटर एब्जॉर्व कर लेगा, वो जो लाइनिंग होती है हमारी वहाँ तक नहीं जाएगी जैसा रिवर्सिबल चैम्बर में होता है। तो पानी वो उसको हीट को एब्जॉर्व कर लेगा और डायरेक्टली क्या होगा कि वाटर गर्म हो जाएगा और हमारी जो रिफ्रैक्टरी है बॉयलर में वो गर्म नहीं होंगी। और इसमें अलग से ट्यूब सीट यूज़ करते हैं, बिटवीन द जो ट्यूब पासिस होती हैं उनमें ट्यूब सीट्स को भी अलग से यूज करते हैं। दूसरा कि इसका जो फंक्शनल फुटप्रिंट है वो बहुत ऑप्टिमल होता है, जिसकी वजह से इसमें जो लिफ्ट ऑफ और स्प्लिट हिंजड डूर हैं वो कम स्पेस को रिक्वायरमेंट करते हैं और उनको किसी भी तरह की कूलिंग पीरियड की ज़रूरत नहीं है और वो इमीडिएटली ओपन हो जाते हैं। और इसमें ज़्यादा एक्सपेंसिव रिफ्रैक्टरी की ज़रूरत नहीं है इसकी मेंटेनेंस के लिए, जैसे इसके जो इंटरनल प्रेशर वेसल है उसकी क्लीनिंग के लिए, तो ज़्यादा जो एक्सपेंसिव जो महंगी रिफ्रैक्टरी है उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं ड्राई बैक फायर ट्यूब बॉयलर के कुछ डिसएडवांटेज उनके बारे में आपको बताऊं, इसमें जो रिफ्रैक्टरी लगी होती है वो डेटीरियोरेट हो जाती है, इसमें जो बफल्स लगे होते हैं वो भी लीक हो जाते हैं, इसकी जो डूर सील है उसमें भी लीकेज आ जाती है, और इसकी जो रियर ट्यूब सीट्स होती हैं वहाँ पे भी स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाती है, और इसमें काफ़ी फ्रजाइल जो रिफ्रैक्टरी बफलिंग होती है और जो डूर सील्स होती हैं वो कंटिन्यूस उनकी मॉनिटरिंग चाहिए, कंटिन्यूस उनकी मेंटेनेंस चाहिए और कंटिन्यूस उनकी रिप्लेसमेंट चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि बेफल्स के ब्रोक होने की वजह से, सील के लीक होने की वजह से, इसमें क्या है कि जो बॉयलर गैस के अंदर फ्लो है उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जिससे जो स्टैक का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी बढ़ जाता है और इसकी जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी इसकी कम हो जाती है जब तक हम इसमें रिपेयर को ना कर दें। और इससे क्या होगा कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो भी कॉस्टली हो जाएगी। दूसरी बात,
अब जो वेट बैक फायर ट्यूब बॉयलर है, इसमें किसी भी तरह का हमें जो रियर जो डूर रिफ्रैक्टरी है उसकी रिपेयर की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमें बफलिंग अगर बर्नआउट हो गई है उसकी रिफ्रैक्टरी की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें लेस थर्मल स्ट्रेसिस होती हैं ट्यूब सीट्स पे, ट्यूब एंड्स पे, और दूसरे मैक्सिमम सस्टेनेबल एफिशिएंसी ये हमें देता है। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ड्राई बैक और वेट बैक बॉयलर पे, तो आप इसको लाइक कीजिए, आप शेयर कर सकते हैं सोशल साइट्स पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, अपने फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन और एनकरेजमेंट मिलता है, जिससे हम अपने काम को और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।